हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत जैन। आज हम मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी लोग मार्जिन पर इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं और जिसे नॉलेज है वो इजीली करता है, और जो न्यूबी हैं, जो बिगनर्स हैं, उसके लिए ये मार्जिन ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो मैंने एक ये चार्ट निकाला है एवेन्यू सुपरमार्केट्स का, तो आप देख सकते हैं। अगर आप नए स्टॉक मार्केट में आए हैं तो मेरे हिसाब से मैं तो कहूँगा मार्जिन पर ट्रेडिंग फ़िलहाल मत करिए, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की है और आपको लॉसेस भी करा सकता है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एवरी जो कॉल आते हैं और सभी कॉल परफेक्ट नहीं होते। मान लीजिए अगर आपने किसी का टिप्स के लिए पैसे दे रखे हैं और एक दिन अच्छा कॉल आ जाता है और दूसरे दिन नहीं भी आ सकता है, तो उस फंडे में आप मत पड़िए। और मार्जिन ट्रेडिंग क्यों मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी जो ब्रोकर्स है वो 10% 10 times 20 times एक्सपोजर भी देते हैं। और मान लीजिए अगर आपने 10,000 अमाउंट उसमें डाल दिया है और 10 times का आपने एक्सपोजर लेके 1 lakh का अगर स्टॉक खरीद लिया, मान लीजिए ये जो अभी चल रहा है, ये चार्ट के हिसाब से ही मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर सुबह का जो इसका हाई था, आप देख सकते हैं 1484 का, उसके बाद अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो आप सोचेंगे 1475 पर आया है और वहीं पे स्टेबल हो रहा है, 1.76 पर फिर से आया है, मींस ये फिर से ऊपर जा सकता है। तो आप उस टाइम पे एक्सपोजर लेकर बाय कर लेते हैं और उसके बाद फिर से ये जो है 1478 एक दो रुपये पे अटक जाता है, 1.71 तक आता है, फिर आप सोचेंगे फिर अपना अगर रेट आएगा तो निकल जाएंगे। तो बाद में जैसे मार्केट क्लोज होता है तो फिर क्या होता है कि और थोड़ा अगर नीचे आ जाता है तो आप पैनिक हो जाते हो, 1465 पर अगर आता है और 10 times एक्सपोजर अगर आपने लिया है तो आपका जो लॉस होगा वो भी 10 times ही होगा, जितना आपका अमाउंट है उससे ज़्यादा का लॉस आपको हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए एक स्टॉक के अंदर आपका 10 rupees जा रहा है, तो आपने 100 स्टॉक लिए तो 1000 जाते हैं, प्लस जो भी ब्रोकरेज रहते हैं बाइंग और सेलिंग में ये भी ऐड होंगे, तो लगभग 1200 का आपका लॉस हो सकता है। और मार्जिन ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने अगर एक्सपोजर लिया है तो मार्केट ये जो स्टॉक है भले ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रुकना नहीं है, और अगर नीचे भी आता है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और ये आ जाता है काफ़ी नीचे 1462 1460, तो आप पैनिक हो जाते हैं, तो आप सोचते हैं निकल जाना ही ठीक है, और जैसे जैसे 3:45 बचता है तो आपको उस टाइम निकलना ही पड़ता है। अगर आप नहीं निकालेंगे तो जो RMS है ऊपर से आपका सौदा है वो 3:15 कट हो जाता है। मान लीजिए आपका 1460 पे भी अगर रहता है तो कट होएगा, अगर ऊपर आता है तो भी वो कट हो जाएगा अगर आप नहीं निकालोगे। मान लीजिए अगर प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, या लॉस होता है तो लॉस मिल सकता है। तो अगर आप मार्जिन पे अगर नहीं लेते हो, 10,000 अमाउंट का ही लेते हो, तो उसमें आपको ऑप्शन है कि आप सीधा वो डिलीवरी में कर लें और नेक्स्ट दिन अगर मार्केट ओपन प्लस में आता है और ये जो स्टॉक है ऊपर आता है तो उसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और मार्जिन ट्रेडिंग में आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आप ही को चुनना है, अगर आप श्योर शॉट हो उस स्टॉक में, भाई ये 3-4 rupees बढ़ेगा, 5 rupees 10 rupees या 10% भी बढ़ेगा, श्योर शॉट के पोजीशन में ही आपको मार्जिन लेकर ज़्यादा पोजीशन बनानी है। अगर आप मार्जिन ही लेना है तो आप ज़्यादा मत लीजिए, 10,000 अमाउंट है तो 20-30,000 का ही लीजिए, 2 times ही लीजिए, उसमें लॉस भी आपका कम हो सकता है, या आप 2-3 days के लिए होल्ड भी कर सकते हो, T+6 आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन इसमें जो होल्डिंग करेंगे आप, जितना अमाउंट ज़्यादा है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अगर आप नेक्स्ट डे पेमेंट नहीं करते हो उतने अमाउंट का, तो वो भी एक लॉस ही होता है। अगर वो रिकवर जल्दी होता नहीं है, स्टॉक एक हफ्ते तक वही लेवल्स पे अगर घूमता है और उसके बाद जब आप निकाल लेते हो उसके बाद अगर वो चढ़ता है 5%, उस समय भी आपका लॉस ही होता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी लग गया, ब्रोकरेज भी लग गया और आपने जो स्टॉक है आई रेट पर ही निकाला। तो मेरा यही कहना है, अगर आप नए हैं तो आप सबसे पहले तो आप थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग करके सीख लीजिए और मार्जिन ट्रेडिंग के चक्कर में फ़िलहाल
मत पड़िए, और अगर आप श्योर शॉर्ट हो तो ही आप मार्जिन का यूज़ करें। तो आज इसी के बारे में बताना था, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।